डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ वो इंडिया वर्सेस चाइना रिसर्च पब्लिकेशन का पॉइंट है। ये आज 21 मार्च 2019 है और डाटा इज टेकन फ्रॉम द scimagojr.com वेबसाइट दैट इज ऑफ द स्कोपस। तो वहाँ से ये डाटा इज टेकन और डाटा जो कलेक्ट किया है वो इस वे में किया है कि यहाँ 2001, 2005, 2011 और 2016 पर्पजली इन ईयर्स को सेलेक्ट किया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट्स में ये जो ईयर हैं वो उस ड्यूरेशन के इन मिड लाई करते हैं, जैसे 2014 से लेके 2019, तो 16 कहीं ना कहीं बीच में आएगा। वैसे ही 2009 और 2014 का जो ईयर रहा है तो उसके आसपास ही 11, तो लाइक दैट। तो ये तो वो पर्पज है कि ये ईयर क्यों सेलेक्ट किए हैं। सेकंड जो कॉलम है इस डाटा का वो पोजीशन कंसीडर किया है कि यहाँ मैंने चाइना और इंडिया को ही एक्चुअली कंसीडर किया है, तो मैं चाइना की पोजीशन क्या रही उस ईयर में और इंडिया की पोजीशन क्या रही है उसको इस कॉलम में मेंशन कर रहा हूँ कि 2001 में चाइना की जो पोजीशन थी वो 6 थी और इंडिया की 12 थी। 2005 में चाइना सेकेंड पोजिशन पर आ गया और इंडिया जो रहा वो 11th पोजिशन पर। 2011 में जो चाइना था वो सेकंड पोजीशन पर ही रहा और इंडिया 7 पोजीशन पर आ गया। वैसे ही 2016 में चाइना सेकंड पोजीशन पर ही रहा और इंडिया जो है अब 5 जो रैंक है उसकी आ चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कंट्री ओनली चाइना इंडिया इंडिया है। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो कॉलम है जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ ये एक्चुअली टोटल पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इन दैट पर्टिकुलर ईयर, और बी जो है ये सेक्शन, ये जो कॉलम है ये साइटेबल डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये टोटल जो डॉक्यूमेंट्स में से हैं कितने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइट हुए हैं, और उसके बाद वो जो टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं साइटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ से कितने साइटेशन मिले हैं, राइट। फिर उनके बेसिस पर मैंने क्या किया है कि ए माइनस बी का डिफरेंस कर लिया कि इतने टोटल जो आर्टिकल थे वो पब्लिश हुए हैं और उनमें से जो है इतने आर्टिकल को ही साइटेशन मिले हैं। तो जैसे ये डिफरेंस रहा चाइना के लिए 282 इन द ईयर 2001, तो केवल 282 पेपर्स ऐसे रहे चाइना के जिनको कोई साइटेशन नहीं मिला। ये आज की डेट में जब मैं 2019 में है तब बोल रहा हूँ, और ये जब ये फाइंड आउट करते हैं टोटल रिसर्च पेपर का तो ओनली 0.45% है, राइट। कि 282 पेपर मतलब कि ओवरऑल का 0.4% जो पेपर हैं वो कहीं भी साइट नहीं हुए हैं। और इन केस ऑफ इंडिया यहाँ आप एक डिफरेंस और भी देख लीजिए कि यहाँ 61,700 रिसर्च पेपर जो है चाइना ने पब्लिश किए थे इन 2001 में, और इंडिया के यहाँ जो पब्लिश हुए थे वो 26,000 थे 187, और उसमें से जो है 25,414 जो रिसर्च पेपर हैं वो वहाँ पर साइट हुए थे। तो यहाँ जो नंबर है वो 773 रिसर्च पेपर ऐसे रहे जिनको कोई साइटेशन नहीं मिला। ओवरऑल देखे तो केवल 2.95% जो रिसर्च पेपर थे उनको कोई साइटेशन नहीं मिला इन 2001। अब 2005 में देखिए कि चाइना सेकंड पोजीशन पर आ चुका था और इसका जो नंबर रिसर्च पेपर का था वो 61,700 से बढ़ के 1,62,264 हो चुका, और यहाँ जो अब रिसर्च पेपर थे ये क्या हुआ जिनको साइटेबल डॉक्यूमेंट्स आउट ऑफ ये 162,264 में से केवल इतने ही आर्टिकल्स जो हैं उनको साइटेशन मिला, और टोटल नंबर जो साइटेशन रहे वो इतना ये रहा इस साइड में 19,02,796। तो यहाँ पॉइंट ओनली दिस वन कि इतने बड़े नंबर में से केवल 970 जो रिसर्च पेपर थे उनको कोई साइटेशन नहीं मिला। तो ओनली 0.6% जो रिसर्च पेपर थे उनको साइटेशन नहीं मिला इन केस ऑफ चाइना। बट इन इंडिया ये जो नंबर था 26,000 से बढ़ के 40,000 हो चुका है, 40,854, और यहाँ जो साइट पेपर हुए वो 38,511 हुए, इनको साइटेशन इतना मिला। तो ये जो नंबर आया ये 2,343 था। तो 2005 ईयर के अंदर
जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए इन स्कोपस जर्नल ऑफ इंडिया, जस्ट इमेजिन कि 2,343 पेपर, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 6% पेपर ऐसे थे जिनको कोई आज तक, आज की डेट तक कोई साइटेशन नहीं मिला है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इन द ईयर 2011 चाइना सेकंड पोजीशन पर अभी भी बरकरार है और यहाँ उसका जो रिसर्च पब्लिकेशन है 1,62,264 से बढ़ के 3,87,856 हो चुका है. उसके जो साइटेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इतने हैं. यहाँ जो नंबर आया वो 4,986 आया कि इतने जो पेपर हैं वो इनके साइट नहीं हुए हैं. राइट, 4,986 ये नंबर जो है, ये नंबर ओनली अप्रोक्सीमेटली 5,000 पेपर्स आउट ऑफ 3,87,000, ये पेपर कहीं भी साइट नहीं हुए. दैट वाज द ओनली 1.28%. एंड इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया नाउ एट द 7th पोजीशन इन द ईयर 2011 और यहाँ जो पेपर पब्लिश हुए वो 97,193 था इन 2011. और इसका नंबर आप देखिए कि ये 6,085 पेपर, दैट मीन्स कि मोर देन 6% पेपर ऐसे रहे जिनको कोई आज तक साइटेशन नहीं मिला है. इन द ईयर 2016 चाइना अभी भी सेकंड पोजीशन पर रहा, उसका जो रिसर्च पब्लिकेशन है वो बढ़कर 4,83,595 हो गया और यहाँ केवल 11,154 रिसर्च जो पेपर हैं वो साइट नहीं हुए, जो कि 2.31% था ओनली ऑफ दिस बिग नंबर 4,83,000. वाइल फॉर द इंडिया दे पब्लिश 1,48,832 रिसर्च पेपर एंड आउट ऑफ देम 11,008 रिसर्च पेपर वर नॉट साइटेड एनीवेयर टिल टू डेट, दैट इज 21st मार्च 2019. And that is 7.39%. So here you can see that the data basically reflect that the quality of the research paper in terms of the publication, right? Second thing, the number of publication increasing rapidly in case of the China, while in case of India, you can see the difference now and can judge this point. Here, the first difference in 2001 between the India and China, that is 35,513 only. This was the difference, 35,000, just imagine. And next time, it was 1,21,430. This is the research paper publications difference between the India and China, right? Within the 4 years. Can you imagine it? And in 2011, the difference was 2,90,663. My dear friends, you have to be worried about to see this data. How within 6 years, 5 years, one country can publish so much research paper. So here, the point is only that what was the policy of that country? कि वहाँ जो research publication आया, वो इस amount में आया और इस way में आया कि जो उनके नंबर ऑफ रिसर्च पेपर थे वो साइटेबल डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैक्सिमम रहा, वाइल इन केस ऑफ इंडिया वहाँ जो रिसर्च पब्लिकेशंस है बढ़ा नॉट दैट स्पीड एज कंपेयर टू दैट जो चाइना है, लेकिन वहाँ पर जो अनसाइटेबल डॉक्यूमेंट्स का नंबर है ना वो भी उसी सेंस में बढ़ा है एंड इट इज इंक्रीजिंग. वो ऑब्वियस है कि जितना नंबर होगा, लेकिन कंपेयर टू दी चाइना जहाँ 4,83,000 है और यहाँ 1,48,000 है, ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ये कोई नहीं हो सकता. दैट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग दैट वी आर पब्लिशिंग रिसर्च पेपर इन स्कोपस इंडेक्स जर्नल, बट रिसर्च पेपर आर नॉट साइटेबल, राइट? तो दैट इंडिकेट द क्वालिटी, दैट इंडिकेट नंबर ऑफ थिंग्स. सो देर इज जस्ट ए इम्प्रेसिव डाटा हियर नंबर टू, दिस 1,22,000. थर्ड difference in 2011, that was 2,93,000 in a 1 year. My dear friends, this is the 1 year difference only between the published paper in Scopus journal, and here you can imagine it was
3,34,763. Can you imagine? 3 lakhs paper, more than 3 lakhs paper in a 1 year between India and China. Right? Now, यहाँ question ये नहीं है कि government ने fund दिया या नहीं दिया. Point ये है कि क्या हम लोग research attitude create कर पाए in Indian population. So, यहाँ there are many factors, not only the awareness, journal publications and जो उनके पब्लिशर्स हैं वो कहाँ एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं वो भी एक पॉइंट है. और सेकंड पॉइंट कि अगर पब्लिशर अवेलेबल भी हैं क्या वो क्वालिटी जर्नल्स पब्लिश कर रहे हैं. और सेकंड थिंग क्या रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए जो जर्नल अवेयरनेस है उसके लिए कुछ प्रमोशन किया गया. एंड थर्ड पॉइंट क्या किसी रिसर्चर को एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि हाउ टू पब्लिश गुड क्वालिटी रिसर्च पेपर. राइट? एंड नाउ इट इज वट बेसिकली द पीपल आर डूइंग, दे आर जस्ट पब्लिशिंग द रिसर्च पेपर जस्ट टू काउंट द नंबर फॉर द प्रमोशन एंड फॉर द जॉब. आई एम वरीड अबाउट टू टेकिंग इट. सो आई हैव थॉट दैट आई सो वन एंगल ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो यू गेट कैन गेट एन insight that basically what is our status and what we are doing. In general, there are top 10 countries. You can see USA, China, UK, Germany, Japan, France, Canada, Italy, Spain, Australia. So in the coming basically year, we have to make aware the scholars in terms of the research publication, and we have to connect jo general log hain जिनके पास आइडिया है कि वो अपना रिसर्च जो है वो किस वे में पब्लिश कर सकते हैं और कहाँ पब्लिश कर सकते हैं. तो वो सब पॉइंट है. तो इन्हीं पॉइंट को लेकर के ये वीडियो था. आई होप कि आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा और ये जो मैसेज है आप तक गया होगा. डाटा सभी जो है वो साइमेगोजेआर वेबसाइट से लिया हुआ है और आज की ही डेट में लिया हुआ है.